सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने इस पीसी पे आएंगे। इस पीसी पे आने के बाद जैसे कि गाइस, यहाँ पे आपका जो ड्राइव है वो शो नहीं, यहाँ पे शो कर रहा, लेकिन इसका जो डाटा है यहाँ पे शो नहीं कर रहा। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। सो सिंपली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा जो ई ड्राइव है यहाँ पे, इसमें काफी सारा यहाँ पे डाटा है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं व्यू ऑप्शन पे जाके उसके बाद यहाँ पे जो हिडन आइटम है उसको भी यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। उसके बावजूद भी यहाँ पे वो डाटा जो है नहीं शो कर रहा है। सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सो उसी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सो सिंपली मैं इसमें दिखा देता हूँ कितना ऑक्यूपाई किया डाटा इसके। हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यूज्ड स्पेस यहाँ पे 44.9 GB यहाँ पे इसमें डाटा है जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा एक सेटिंग करना पड़ेगा जो कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसको क्लोज कर लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे दिस पीसी पे यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज मैनेज पे चले जाना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे मैनेज पे जाएंगे, मैनेज पे आने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप लोगों को क्या, डिस्क मैनेज यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे चले जाना है। सो यहाँ पे आने के बाद गाइज आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को अपना जो है डिस्क उसे चूज कर लेना है कि कौन सी डिस्क में प्रॉब्लम था, यानी कि किस में डाटा नहीं शो कर रहा था। सो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, न्यू वॉल्यूम मेरा ई ड्राइव था। सो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों को। सिंपली क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को टूल्स में चले जाना है। टूल्स में आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या, दिस ऑप्शन विल चेक द ड्राइव फॉर द फाइल सिस्टम एरर। सो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे स्कैन करेगा है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपके ड्राइव में कोई भी एरर है उसको यहाँ पे चेक करेगा, जैसे कि अभी ये स्कैनिंग हो रहा है। सो अभी यहाँ पे स्कैनिंग चल रहा है, लगभग 30 सेकेंड ले रहा है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं 30 सेकेंड, 45 सेकेंड बोल रहा है। सो विदिन 1 मिनट के अंदर ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। सो इससे पहले जो मेरा 1 सेकेंड वाला ड्राइव था उसमें भी नहीं काम कर रहा था, तो मैं इसी तरीके से किया कि उसमें डाटा शो कर रहा है अभी प्रॉपरली। सो अभी सेकेंड वाला क्यों ना सोचा मैंने कि आप लोगों को यहाँ से वीडियो के जरिए बताया जाए तो आप लोग भी इसके बारे में जान सकते हैं। सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है। सो यहाँ पे फाइनली ये हो गया, स्कैन हो गया। यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख रहे हैं एरर चेकिंग। सो जस्ट अभी यहाँ पे थोड़ा सा और बाकी है। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रिपेयर हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों को विंडो को मतलब यहाँ पे बोल रहा है रिस्टार्ट करने के लिए। सो रिपेयर दिस ड्राइव। सो हम लोग यहाँ पे क्लोज पे करते हैं क्लिक। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे रिपेयर ड्राइव, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सिंपली आप लोगों को रिपेयर ड्राइव पे क्लिक कर देना है। अभी ये बोल रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट टाइम करेंगे कैंसिल की रिपेयर नाउ, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे रिपेयर नाउ पे क्लिक कर देते हैं, रिपेयर नाउ। सो अभी ये रिपेयर कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले स्कैन किया था, अभी ये रिपेयर कर दिया है। द ड्राइव इज रेडी टू यूज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से क्लोज करूंगा, उसके बाद यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब इसको भी यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब सिंपली मैं अपने डिस पीसी को ओपन करता हूँ। यहाँ से डिस पीसी को ओपन करने के बाद गाइज यही ई ड्राइव था। अब इसमें जो डाटा है इससे पहले नहीं शो कर रहा था। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखता हूँ डाटा शो कर रहा है कि नहीं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी डाटा यहाँ पे था सब डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। सो फाइनली गाइज हमारा जो यहाँ पे काम था वो सक्सेसफुली कम्प्लीटेड हो चुका है, क्योंकि डाटा यहाँ से इजिली शो कर रहा है। सो इस तरीके से आप लोग भी अपने अगर कोई भी ड्राइव में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आप लोग काफी कुछ सीखे हैं, ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।